आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो आज के क्रैश कोर्स में हम स्टडी करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशनल। मोशन इन वन डायमेंशनल में हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम फ्रेम करी जाती है और उनको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क क्या होता है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रह रहा है तब उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और एक्सेलरेशन वगैरह अगर वेरी कर रहा है तब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको हम किस तरीके से क्वेश्चंस में फ्रेम करेंगे, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और उसके एप्लीकेशन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट आपके पूरे मैकेनिक्स में यूज होने वाला है, चाहे वो पुली मास सिस्टम रहा हो, चाहे लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स हो, चाहे लीवर वाली प्रॉब्लम्स हो। तो बेहतर है एक बार में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट सीख ले, और जब कभी भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो हम आसानी से कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल। तो मोशन इन वन डायमेंशनल का सीधा सा मतलब है कि जो मोशन हो रहा है वो एक डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं सबसे पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो मोशन इन वन डायमेंशन में जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं आपको ग्राफ की मदद से इसको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट फ्रेम में किसी पार्टिकल ए की पोजीशन आप दिखा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब पार्टिकल मूव करता है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि ये किसी पॉइंट बी पे पहुंचता है, और जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो वो इस पाथ को फॉलो करता है। और आपसे पूछा जाता है कि जब ये मोशन हो रहा है, पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो इस मोशन में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इस पूरे मोशन में डिस्टेंस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेजर डिफरेंस है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल आपको जैसे बता दिया गया 5 किलोमीटर है तो वो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपको डिस्टेंस का अमाउंट भी दिया जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है पार्टिकल के द्वारा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दी जाती है कि किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस आपका ट्रेवल हुआ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जबकि जो डिस्टेंस है उसमें केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है कि इतना अमाउंट जो है पार्टिकल ने आपके ट्रेवल किया है। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक देखें तो वेक्टर की बेसिक नॉलेज से अगर पॉइंट ए का हम पोजिशन वेक्टर लिखना चाहें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ओ ए वेक्टर, इस तरीके से। ऐसे अगर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर, इस तरीके से। तो यहां से अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आएगी कि पहले पोजिशन वेक्टर कितना था, बाद में पोजिशन वेक्टर कितना हो गया है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, पहले जो हमारा पोजीशन वेक्टर कितना था, बाद में हमारा पोजीशन वेक्टर कितना हो गया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन पार्टिकल की क्या हो गई है, ओबी वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट बी का वो है ओबी वेक्टर, इनिशियल क्या था ओए वेक्टर। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें, कि इस पूरे मोशन में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि इस पाथ पे पार्टिकल ने ट्रेवल किया है तो इस पाथ की जितनी वैल्यू होगी, इस पाथ पे जो पार्टिकल चला है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस वो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगी आपकी वो आप यहां से मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो जो एसी भी होगा दैट इज डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में केवल आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लोकेशन अगर आपको पता है तब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, जबकि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के साथ साथ किस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी है। तो जब आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पाथ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि पार्टिकल ने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है, आप उन्हीं से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है।
अब हम देखेंगे कि अगर एक जनरल फॉर्मूले के टर्म में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त करें तो हमारे पास कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर हमको दी जाती है। तो मान लेते हैं ये आपका कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम है एक्स वाई एक्सिस, इस तरीके से पार्टिकल आपका इस तरीके से मोशन करता है। तो क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया है जिसकी लेंथ है ds। तो इस लेंथ को अगर हम रिजॉल्व करें x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, तो जो x डायरेक्शन में इस डिस्टेंस का कंपोनेंट आएगा वो होगा dx, जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा dy। ठीक है, तो यहां से अगर हम डिस्टेंस के लिए लिखना चाहें तो डिस्टेंस की वैल्यू आप यहां से ds निकाल सकते हो। ds इज इक्वल टू ds आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए पाथ की इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो यहां से अगर ये हमारे पास बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, और जो ये ds है हालांकि ये कर्व पाथ है, ये पूरा कर्व पाथ है, पर यहाँ पे जो हमने ds का बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है तो ये इतनी डिस्टेंस में लगभग लीनियर रहा होगा। तो यहां से अगर हम ds की वैल्यू निकालें तो ds की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तब आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे कि पार्टिकल ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये जनरल फॉर्मूला है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपके पास कोई जनरल प्रॉब्लम दी जाती है तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको पाथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लोकेशन क्या है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लोकेशन से ही हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाए तो OA वेक्टर हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट हमारा A है, इसका पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में OA वेक्टर। फाइनल पॉइंट हमारा B है, इसका पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में OB वेक्टर। तो हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कैसे चेंज हुआ है, OA वेक्टर से ये OB वेक्टर तक गया है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें वो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक जनरल सी प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन करता है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से वेरी करता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। जो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल के द्वारा है एक्स डायरेक्शन में, वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से वेरी करती है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है ए साइन ओमेगा टी। और आपसे पूछा जाता है कि टी टाइम में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो बता दो, टी टाइम में पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा वो बता दो। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। जब आपके पास पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से वेरी कर रहा है, पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहां से आप dx कैलकुलेट करोगे, dx इज इक्वल टू cos ओमेगा t को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t। ऐसे ही जब y को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। dx और dy की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, उसके बाद अंडर रूट लेके जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तब यहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल की है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये है आपका dx by dt और ये dy by dt। ठीक है, तो dx की वैल्यू जब आप यहां से इसमें पुट करोगे तो dx आपका निकल के आएगा dx इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसे dy इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी डी टी, और ये दोनों वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन हो जाएगा। तो यहां से भी आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये बाद में वन बचा, जो dt का स्क्वायर है वो अंडर रूट साइन के बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से dt, तो यहां जो आपका बचा ये आएगा a इंटू ओमेगा और इस तरीके से dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस कैलकुलेट हो क्या आएगी, वो डिस्टेंस होगी s इज इक्वल टू ए ओमेगा टी। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस होगी वो होगी s इज इक्वल टू ए ओमेगा टी। इस तरीके से आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट
के जो हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो हमारा पोजीशन वेक्टर किस तरीके से चेंज हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ है वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। निकाल के देख लेते हैं, जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का कितना होगा, कॉस जीरो, वन वैल्यू जाती है एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से। तो यहां से अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का हम लिखना चाहें तो ओ ए वेक्टर निकल के आएगा, ओ ए वेक्टर जो हमारा सॉल्व होकर आएगा इज इक्वल टू एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप, दैट मीन्स ए आई कैप, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इस तरीके से अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें टी टाइम के बाद फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो जो हमारा ओबी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा वो वेरी करेगा ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर हमने इनिशियल पॉइंट के लिख लिए, पोजीशन वेक्टर हमने फाइनल पॉइंट के लिख लिए। अगर अब हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जनरल प्रॉब्लम थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास कोई लेंथी प्रॉब्लम दी गई है इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और आप दोनों को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमने आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पहले ही बताया है, तो अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम पे हम वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लें और एक्स एक्सिस पर टाइम को लें और कोई आपके पास इस तरीके से कर्व दिया गया है जिसपे पार्टिकल आपका मोशन करता है, तो ये कर्व किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज जो होगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपका देगा वेलोसिटी, ठीक है। और साथ में अगर जो रेट ऑफ चेंज है वो हम लें डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपको देगा स्पीड। तो दोनों का सीधा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो वो आपको देगा वेलोसिटी, और जब आप देखते हो डिस्टेंस को तो डिस्टेंस किस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है तो वो आपको देता है स्पीड। तो यहां से आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा अगर यहां पे हम दिखाना चाहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे हमने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट एंगल बना रही है थीटा टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, जो ग्रेडियंट हो जाएगी ये हमारी जो लाइन ड्रॉ करी इसकी ग्रेडियंट हो जाएगी m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका m किस तरीके से वेरी कर रहा है वो आपको देगा कि वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है पार्टिकल के मोशन में। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि स्पीड कैसे वेरी कर रही है तब हमको केवल जरूरत पड़ेगी कि पाथ किस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा है और इस पाथ को जो पार्टिकल फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां से हम स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है और जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस स्पीड और वेलोसिटी वाले टॉपिक में, कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है इस तरीके से और आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो कि पार्टिकल जब ए से पार्टिकल बी तक जाता है, जब हमारा पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। तो जब पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हमको कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप यहां से लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट था टाइम के रिस्पेक्ट में वो होता था आपका वेलोसिटी, मतलब डीएस बाय डीटी आपका होता था वेलोसिटी। अगर यहां से आप डीएस के लिए कैलकुलेट करो तो डीएस इज इक्वल टू वी इंटू डीटी, अगर आप इसको दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करो तो वी डीटी आपका क्या है, वी डीटी है वॉल्यूम टाइम, वी डीटी है आपका वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे जो एरिया कवर कर रहा है ये पाथ पूरा। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ए से पार्टिकल बी तक जब जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल ए से पार्टिकल बी तक के मूवमेंट में। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन और जर्क क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सेलरेशन, हमने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले बना के दिखाया था, मान लेते हैं फिर से ये आपकी वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो आपके पास ग्राफ आया है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरीके से वेलोसिटी आपकी वेरी करती है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में यहां पे डीवी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो डीवी के लिए आप लिख सकते हो डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीटी, और यहां से अगर दोनों पार्ट्स को आप इंटीग्रेट करो टाइम टी1 से टाइम टी2 तक तो वेलोसिटी जो वेरी करेगी वो वेरी करेगी v1 से v2 तक,
तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हमको दिया हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आया है टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी यहां से यहां तक कितनी वेरी कर चुकी होगी, तो वेलोसिटी में जो वेरिएशन होगा उसको आप आसानी से टाइम एक्सिस पे जो एरिया कवर्ड होगा इस ग्राफ का वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो वेलोसिटी में वेरिएशन होगा वो वेलोसिटी में वेरिएशन यहां से आप निकाल सकते हो dv इक्वल टू adt और ये होगा एरिया कवर्ड बाय दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हो। तो एक्सेलरेशन आपको दिया गया है dv बाय dt, इसके ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर दोनों को आप ds से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो ds बाय dt हो जाता है ये आपका हो जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू dv बाय ds यहां से इस तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय ds। तो अगर आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का कोई फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन के हमने जो फॉर्मूले अभी तक देखे हैं वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt और वेलोसिटी होता था आपका ds by dt। तो यहां से ds by dt अगर वेलोसिटी की जगह पर जब आप पुट करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा d2s divided by dt2 या फिर एक्सेलरेशन के लिए हमने यह वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया है तो यहां से भी लिख सकते हैं v dv by ds। तो इस तरीके से ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है वो किन दो फंक्शन के बीच में है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ है। और उससे आपको जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हो तो मान लेते हैं अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ की दिया गया है तब आप उसको दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी टाइम टी पे। अगर आपको वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ दिया गया है तब आप इस फॉर्मूले की मदद से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच का कोई फंक्शन दिया गया है तो उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके पास फॉर्मूले हैं ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जर्क क्या होता है। तो जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, किस तरीके से एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अगर आप देखना चाहो तो एक्सेलरेशन किस तरीके से वैरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो एक्सेलरेशन का वेरिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपको देगा जर्क। तो जर्क को इस तरीके से लिख सकते हैं जर्क जे इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। तो जर्क है वो डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके कोर्सेज में नहीं आने वाले हैं, बस आपको डेफिनेशन पता रहनी चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सिंपल सी बनाई जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बेसिक जो आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं उनकी मदद से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका एप्लीकेशन हम किस तरीके से करेंगे प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने निकाला था ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो यहां से अगर आप डीवी लिखना चाहो तो डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक है, और यहां से इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल की थी u, एट टाइम t वेलोसिटी हो जाती है v। तो यहां से जब आप डिफरेंशिएट करोगे और यहां पे आपको पता रहना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन की पहली मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहली इक्वेशन है वो आप सॉल्व कर सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये जो जनरल फॉर्मूला है a इज इक्वल टू dv बाई dt इसकी मदद से आप उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकेंड और थर्ड है उनके लिए भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी होती है आपकी ds बाई dt और इसको u प्लस at। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड तो आप s के लिए निकाल पाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन इसके बोथ साइड को जब आप स्क्वायर करोगे और s वाली इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व होकर आगे वो होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहला पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। अगर किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करना शुरू कर देता है तब इनमें से कोई भी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तब आप कैसे प्रोसीड करोगे, तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूले मैंने बताए हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, इनकी मदद से आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर पाएंगे। तो
इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक हमारा इसमें बचता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूँ एक दो एग्जाम्पल्स की मदद से। मान लेते हैं आपके पास ये कोई पार्टिकल है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका मास एम है और ये वी वेलोसिटी से इस तरीके से मोशन कर रहा है। यहाँ पे कोई पार्टिकल दूसरा है, इसका मास भी एम है और ये v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसको हम v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस s है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद इसके बीच में किसी पॉइंट पे ये मिलेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो पहला मेथड जो हमारे समझ में आता है वो इस तरीके से कि मान लेते हैं कि t टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे और यहां से वेलोसिटी हमको पता है। जब वेलोसिटी पता है तो टाइम से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ किसी डिस्टेंस s1, इस तरीके से पहला पार्टिकल आपकी डिस्टेंस s1 ट्रेवल करके इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ऐसे ये जो आपका दूसरा पार्टिकल है ये वेलोसिटी v2 से t टाइम में इस तरीके से डिस्टेंस s2 ट्रेवल करके इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा और दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। यहाँ तो आपके पास प्रॉब्लम आसान थी, आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। पर अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपके पास डिफिकल्ट है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो बहुत कह सकते हैं कि आपका परिचित कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने आपके पास दो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटीज आपको दी गई हैं और ये जो वेलोसिटीज हैं ये वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। करना आपको क्या है, आपको इनमें से किसी एक को रेस्ट में मान लेना है। मान लेते हैं ये वाला बी वाला आपका रेस्ट में है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एस है और बी वाले को हमने रेस्ट में मान लिया है। तो जब हमने बी वाले को रेस्ट में मान लिया तो बी वाले जो हमारा पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी को हम पलट करके इस पर ए वाले को दे देंगे। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 थी, इसकी वेलोसिटी को जो पलट देंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगी v2। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल ए के पास वो हो जाएगी v1 plus v2। तो पार्टिकल जो ए ट्रेवल करेगा बी के रिस्पेक्ट में वो v1 plus v2 वेलोसिटी करेगा। तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे, तो जब ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा v1 plus v2 वेलोसिटी, तो जब टाइम होगा टाइम t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v1 plus v2। इस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक और प्रॉब्लम आपके लिए फ्रेम करी जाए, ये आपके पास पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2 और किसी टाइम पे इन दोनों पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल s और आपसे पूछा जाता है कि बता दो कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल ए पार्टिकल बी को क्रॉस करेगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला वही आप अप्लाई करो। इसमें जब पार्टिकल ए पार्टिकल बी को मीट करेगा उसकी एक ही कंडीशन है कि v1 की वेलोसिटी वो कम है v2 से, v1 इज लेस देन v2, v2 जब ज्यादा होगा तभी ये पार्टिकल बी को क्रॉस करेगा। तो आप यहां से पार्टिकल बी को मान लेते हैं रेस्ट में, तो पार्टिकल बी को जब हमने रेस्ट में मान लिया तो इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में उसको पलट करके इसको दे देंगे, इसकी वेलोसिटी पलट करके इस तरीके से इसको दे देंगे, तो जो नेट वेलोसिटी होगी पार्टिकल ए की वो आ जाएगी v2 minus v1, v2 ज्यादा है v1 से, v2 minus v1। पार्टिकल ए जो ट्रेवल करेगा बी के रिस्पेक्ट में वो करेगा वेलोसिटी v2 माइनस v1 से और जब ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी को क्रॉस करेगा तो उसके लिए जो टाइम लगेगा पार्टिकल ए को पार्टिकल बी तक जाने में वो टाइम होगा टाइम t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस v1। तो यहां से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टाइम में जो आपका ए वाला पार्टिकल है वो पार्टिकल बी को क्रॉस करेगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स में। अब जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आपके क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से फ्रेम करी जाती है उनको हम देख लेते हैं। उनमें जो पहली प्रॉब्लम है वो आपकी लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम। लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम देखना चाहेंगे लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम में आपके पास दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से और दूसरी कंडीशन है कि लिफ्ट आपकी नीचे जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, इस तरीके से। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो कि इसका जो है इंस्टेंटेनियस वेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लिफ्ट। इस लिफ्ट पे कितना वेट एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट का जो कि अभी मास m इसका है, तो कितना वेट इसका एक्ट करेगा इस लिफ्ट पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है अब दोनों चीजें चलेंगी तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? इनमें से किसी एक को रेस्ट में मान लो। मान लेते हैं लिफ्ट को हमने रेस्ट में मान लिया, लिफ्ट को हमने रेस्ट में मारा तो इसका जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसके एक्सेलरेशन को पलट करके हम इसको दे देंगे इस तरीके से। ए ग्रेविटी जो है इसमें पहले से ही लग रही होगी इस तरीके से ए प्लस टी, तो जो नेट वेट एक्ट करेगा इसका लिफ्ट पे वो होगा एम टाइम्स ए प्लस टी। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो जी इफेक्टिव आपका सॉल्व होकर आ जाएगा ए प्लस टी।
तरीके से आपको रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है। इसी तरीके से इस दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर देखें, जब हमारी लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तब आप देखें वही ऑब्जेक्ट है आपके पास मास एम का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो नीचे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी वो होगी जी। तो नीचे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही वो है जी। तो हमको करना क्या है, हमको लिफ्ट को फिर से रेस्ट में मानना है। तो लिफ्ट को जब हम रेस्ट में मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट का पलट करके सब्जेक्ट को दे देंगे, कितना हो जाएगा ए ऊपर की डायरेक्शन में। तो जो नेट जी इफेक्टिव एक्ट करेगा, ए हमारा अगर लेस देन जी है तो जो नेट जी इफेक्टिव एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा जी माइनस है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितना वेट एक्ट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का इस लिफ्ट पे। तो जो वेट होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू मास एम इंटू जी इफेक्टिव, तो वेट निकल करके आएगा एम इंटू जी माइनस है। तो आप इस तरीके से लिफ्ट वाली दोनों सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि जो लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से उसको रोक देना है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन पलट करके इस ऑब्जेक्ट को दे देना है अपोजिट डायरेक्शन में, और वहां से आप जी इफेक्टिव की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। सेम वही इस वाली सिचुएशन में भी हो रहा है, लिफ्ट आपकी नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, इसके एक्सेलरेशन को आप पलट करके जब इस ऑब्जेक्ट को दे दोगे तो आपके पास जी इफेक्टिव नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, वो हो जाएगा जी माइनस है। तो जो नेट वेट एक्ट करेगा लिफ्ट पे होगा एम इंटू जी माइनस है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो दूसरा एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रॉब्लम से पूछा जाएगा, वो होगा रिवर बेस्ड प्रॉब्लम। तो रिवर बेस्ड प्रॉब्लम के लिए देखें, अगर इस तरीके से आपको कोई रिवर दी गई है और मान लिया रिवर फ्लो कर रही है वेलोसिटी वीआर से, रिवर फ्लो कर रही है वेलोसिटी वीआर से, और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है उसको रिवर पार करनी है, और वो चाहता है कि वो रिवर इस तरीके से पार करे कि वो आसानी से इस रिवर को पार करके इधर चला जाएगा। तो सबसे पहला काम, ये आदमी कब रिवर को पार कर पाएगा, मान लेते हैं इसकी जो तैरने की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से अगर आप निकालें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से, तो अभी ये आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं यहाँ से सीधी छलांग लगाता हूँ तो आप आसानी से उधर पार कर जाऊंगा, पर होता क्या है, इन्होंने जो दिमाग लगाया था वो उसके अपोजिट हुआ। इस तरीके से इन्होंने तैरना इस डायरेक्शन में शुरू किया था, पर जब यहाँ इधर ये पहुंचे तो पता चला कि जिस पॉइंट से उन्होंने शुरू किया था इससे इधर ये इतना डेविएट कर गए, डिस्टेंस डी तक इधर डेविएट कर गए। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी जो रिवर आदमी को उधर ले करके गई है, बहा के ले गई है। दूसरा कि कितना टाइम लगेगा आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये दोनों चीजें हैं, दोनों कॉन्सेप्ट हैं, आपसे मिला करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, जो मैन की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, रिवर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, जो या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा आदमी को, मान लेते हैं रिवर की विड्थ है स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से जब आदमी ट्रैवल करेगा, आदमी जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी एम, क्योंकि जो वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आदमी की वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं देगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, और वो होगा एस डिवाइडेड बाई बी एम। इसी तरीके से ये जो डेविएशन हो जाएगा, तो मैन को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है, तो ये डेविएशन जो हो जाएगा डी इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी वी आर इंटू टाइम टी। तो यहाँ से बी आर आपको दिया गया है, टाइम की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे एस डिवाइडेड बाई बी एम, और आप निकाल पाओगे कि यहाँ से कितना डिफ्लेक्शन आ गया होगा, कितना डेविएट कर गया होगा आदमी अपनी इस पोजीशन से, अपनी एक्वायर्ड पोजीशन से। तो इस तरीके से आप रिवर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में मैन जो है रिवर के किनारे से थीटा एंगल बनाते हुए इसमें छलांग लगाता है, तब वो कितने टाइम में रिवर को पार करेगा। तो बहुत आसान सिचुएशन है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से एनालाइज करना है। वेलोसिटी की जो रिवर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो है वीआर, तो मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर रिवर की डायरेक्शन में हम लेंगे तो वो हो जाएगा वीएम कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वो होगा वीएम साइन थीटा। तो जो मैन को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो ट्रेवल करने में टाइम लगेगा वो होगा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी का केवल यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि टाइम कितना लगेगा उसको नदी के पार करने में। तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाई जो वेलोसिटी आई है वीएम साइन थीटा, ठीक है, और कितना डेविएशन हो चुका होगा मैन का इस पॉइंट से, तो वो आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैन को इस पॉइंट से इधर बहा के ले जाएगा। इस तरीके से आप अगर निकालना चाहेंगे कि ये डी कितना होगा, तो डी आप निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, तो नेट जो वेलोसिटी आ जाएगी वो जाएगी वी आर प्लस
वीएम कॉस थीटा और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक, आदमी कितनी देर तक इस रिवर में रहा है, जब ट्रेवल जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, वो हो जाएगा इनटू टाइम। तो इस टाइम की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे कितना डेविएशन हो रहा है जब पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जब आदमी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको केवल दो चीजें ध्यान रखनी है, मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दूसरा काम आपको निकालना है कि आप टाइम कितने टाइम में आदमी ट्रेवल करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और उसके बाद आप उस टाइम में डेविएशन निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटीज का है उनको ऐड करके। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे फ्रेम करी जा सकती है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।